Oh, amazing. वाह अनन्या दीदी, आपकी पेंटिंग तो काफी ज्यादा अमेजिंग है, जैसे लाइव स्क्रीन से। थैंक यू विवान। और तुम्हें पता है, ये सिर्फ पेंटिंग्स नहीं है, ये अपने आप में एक दुनिया है। रियली? कैसे? रुको दिखाती। ये देखो, ये है लावों की दुनिया। वाह। और वो, ये तितलियों की दुनिया है। और ये है चॉकलेट वर्ल्ड। ओह दीदी, क्या हम क्विक चॉकलेट वर्ल्ड टूर करके आए? श्योर। मेरा दिल खुशी के मारे तपड़ तपड़ कर रहा है। चलो हाथ आगे करो। क्यों, हमें स्कूल टीचर की तरह मार पड़ने वाली है क्या? अरे नहीं नहीं डूबा डूबा, ये तो इस पेंटिंग के अंदर जाने का मेथड है। अच्छा। चलो Amazing. वाह, क्या अद्भुत चित्रकारी किया अनन्या ने, एकदम असली चॉकलेट जैसी। चॉकलेट की नदी। माने डूबा डूबा, ये चॉकलेट सिरप तो असली चॉकलेट से भी ज्यादा टेस्टी है। वाह, स्वादिष्ट है। ओ हेलो, तुम दोनों पेंटिंग परखने गए हो या चखने? चखने। अरे सॉरी सॉरी सॉरी। चलो वाह अनन्या दीदी, मैंने ब्यूटीफुल पेंटिंग्स तो पहले भी देखी थी, लेकिन इतनी टेस्टी पेंटिंग्स पहले कभी नहीं देखी। ये तो कुछ भी नहीं है विवान, अभी मैं ऐसी स्पेशल पेंटिंग बनाने वाली हूँ जिसमें हम सब और परियां पिकनिक पे जा सकते हैं। कब? आज अभी। मैं तैयार हूँ पिकनिक पे जाने के लिए। निपनिक? अरे नहीं नहीं डुबा डुबा, निपनिक नहीं, पिकनिक पिकनिक। और वैसे भी हमें पिकनिक में जाने के लिए थोड़ा वेट तो करना ही होगा, और अभी जरा मुझे नीचे माँ की हेल्प करने जाना है। चलो चलो। फस गई चिड़िया चाल में। मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ तिम्नासा? हे भगवान, आज मैं अपने नए काम की शुरुआत करने जा रही हूं, अपना आशीर्वाद बना के रखना। मम्मी मम्मी। हाँ बेटा। आपने टिफिन का रेट इतना कम क्यों कर रखा है इस बार? हाँ माँ, अब 100 रुपीज की थाली 60 रुपीज में क्यों बेच रही है?
मेरी प्यारी सी मैनेजर और मेरा क्यूट अकाउंटेंट। वो दरअसल बात ये है ना कि मैंने इस बार सारी सब्जियां और सारा अनाज सीधे किसानों से खरीदा है, कोई एजेंट नहीं है बीच में। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो इससे कमीशन भी बच जाएगा और साथ ही साथ किसानों का और हमारा फायदा भी हो जाएगा। करेक्ट। और वैसे भी मेरा मकसद सिर्फ प्रॉफिट कमाना नहीं है, लोगों को अच्छा और सस्ता खाना खिलाना है, इसलिए तो मैंने अपनी थाली का रेट 60 रुपीज किया है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है माँ। और ये सब भगवान के आशीर्वाद से ही तो हो रहा है, इसलिए मैंने आज का खाना पूरा फ्री रखा है। वाह माँ, ये तो बहुत सही किया है आपने, क्योंकि जितने ज्यादा लोग आपके हाथ का बना खाना टेस्ट करेंगे उतने ज्यादा कस्टमर्स भी आएंगे। हाँ, क्योंकि मेरी मम्मी के हाथ का खाना खा के लोग अपनी मम्मी के हाथ का खाना भूल जाएंगे। अच्छा चलो, हम सब ना बाहर चल के इंतजाम देख लेते हैं क्या कैसे हो रहा है ना, और गेस्ट भी आने वाले हैं। चलो। अरण्या की ये चित्रकारी वीर लोक वालों पर बहुत भारी पड़ने वाली है। But one quick question, Queen Dimna sir. क्या आखिर इस पेंटिंग में ऐसा है क्या कि सारी प्रजा ट्रबल में आ जाएंगी? बहुत सही सवाल किया रे। मैंने अनन्या को सम्मोहित करके उससे एक ऐसा चित्र बनवाया है जो पृथ्वी के एक बहुत ही खतरनाक समय को खोलेगा। अरे देखने में तो सिर्फ जंगल ही जंगल नजर आ रहा है इस चित्र में। सब मेरे सामने खड़े हैं, इसका मतलब इन लोगों ने मुझ पे मैजिक किया है। एक समय था जब ये विशालकाय घातक जानवर पृथ्वी पर राज किया करते थे। ये परियां जैसे ही इस चित्र के अंदर जाएंगी तो उनकी वो मामूली सी शक्तियां, वो मामूली सी जादू वहां पर काम नहीं करेंगे और वो इन खतरनाक जानवरों का खाना बन के रह जाएंगी। कीप ऑन ड्रीमिंग तिमनासा, क्योंकि मैं अभी जाके बालवीर को अलर्ट कर दूंगी और तुम्हारे प्लान टेक ऑफ करने से पहले ही क्रैश हो जाएगा। करुणा जी, कितना अपनापन इस खाने में, मजा आ गया। थैंक यू सो मच। वो इसलिए क्योंकि हमारी माँ ये खाना बहुत प्यार से बनाती है। और वो जो प्यार है ना, वो खाने में दिख रहा है। करुणा जी का खाना बनाया आपने। थैंक यू। अच्छा करुणा जी, मैं क्या कह रहा था, मेरे फैक्ट्री के वर्कर्स है ना, उनको आप एक साल का टिफिन सप्लाई कर सकती है। थैंक यू सो मच फॉर द ऑफर मिस्टर अखिलेश, लेकिन आपके वर्कर्स के लिए अभी मैं सिर्फ एक महीने का ही कॉन्ट्रैक्ट कर पाऊंगी। करुणा जी, मैं बॉस से कह के आपको एक साल का एडवांस दिला सकता हूँ। नहीं नहीं मिस्टर गुप्ता, पैसों की बात नहीं है, बात कमिटमेंट की है। एक्चुअली मैंने अभी के कस्टमर्स से जो कमिटमेंट किया हुआ है ना, उनके साथ मैं क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती, इसलिए। कमिटमेंट के मामले में सलमान भाई से भी आगे है मेरी माँ। पर करुणा जी, आपका ये बिजनेस करने का तरीका ना मुझे बहुत अच्छा लगा। पर हाँ, खाना तो आपको ही भेजना पड़ेगा। मैं मेरे बॉस से बात करूंगा, एक महीने का ही सही। बिल्कुल बिल्कुल, श्योर। थैंक यू। बाकी करुणा जी, खाना बहुत स्वादिष्ट था। चलता हूँ। थैंक यू, शुक्रिया आने के लिए। अच्छा विवान, वहाँ टेबल पे ना एक टिफिन रखा हुआ है, वो जरा शर्मा जी के यहाँ पहुँचा देना। ओके मैम। अनन्या दीदी, आप ऐसे लाइटनिंग स्पीड में कहाँ से उठकर आ रही हो? I need your help, Vivan. दीदी, पेंटिंग बनाने में तो आप चैंपियन हो, मुझे तो ठीक से एक सर्कल बनाना भी नहीं आता। वो एक्चुअली विवान, आप
नेहा, ये तो मैं बचाएगा, इसे तो खुद मदद की जरूरत पड़ने वाली है। ये क्या हो रहा है दीदी? बेचारे हीरो को ही नहीं पता क्या आखिर हो क्या रहा है। इंटरेस्टिंग। विवाद, ये मैं कहां आ गया? लड़की बालवीर तक नहीं पहुंचनी चाहिए। Let's go. अनन्या दीदी, मैं इस पेंटिंग से बाहर क्यों नहीं निकल पा रहा? विवान, तुम क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। लेकिन मैं जो बोल रही हूँ वो तुम्हें सुनाई दे रहा है ना? हाँ हाँ, गुड। तो विवान, तिम्नासा ने मुझे हिप्नोटाइज करके पेंटिंग बनवाई थी, इसीलिए शायद ये वन वे पेंटिंग बन गई है। तो फिर अनन्या दीदी, मैं इस पेंटिंग से बाहर कैसे निकलूं? डोंट वरी विमान, मैं अपने मैजिक ब्रश से इस पेंटिंग का एग्जिट डोर बना दूंगी, जिसके हेल्प से फिर तुम बाहर आ जाओगे। लेकिन विमान, अभी रे और बहमार मेरे पीछे पड़े हुए हैं, इसीलिए मैं पहले दीबू को अपडेट करने जा रही हूँ, ताकि वो उन्हें रोक सके और फिर मैं आराम से बैठ के इस पेंटिंग का एग्जिट डोर बना सकूं। ठीक है ना विवान? तुम्हारे इस मास्टरपीस की तारीफ करने का मैं एक मौका दे दो। फिकर नॉट विमान, ये सिर्फ एक नॉर्मल जंगल ही तो है, थोड़ी देर तो मैनेज कर ही लूंगा मैं। नॉर्मल जंगल में शेर तो होते ही है, लेकिन ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे यहाँ पर सवा शेर से भी कोई बड़ा एनिमल है। जरा देखो तो, Thank you.
देखा था ऐसे, लेकिन आज तो फेस टू फेस इंटरव्यू हो रहा है मेरा डायनासोर के साथ। जब मैजिक वर्क ना करे तो एक ही रास्ता होता, रन विवान रन। अरे मुझे खा के आपका कौन सा पेट भरने वाला है सर डायनो? अच्छा ठीक है ना मैडम डायनो, आप जो भी हो सर मैडम, मुझे खा के आपको क्या मिलेगा? प्लीज कोई हाई कैलोरी वाला फूड ढूंढ लो ना। अरे मुझे खा के आपका कोई पेट नहीं भरने वाला, मैं कह रहा हूँ ना। अरे क्या तुझे पता है डायनासोर 65 मिलियन ईयर्स पहले धरती पर राज करते थे? हाँ पता है, लेकिन तुझे ये नहीं पता होगा कि दो तरह के डायनासोर होते हैं, वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन। ये भी पता है, लेकिन तुझे ये नहीं पता होगा कि डायनासोर। मुझे सब पता है रिंकू, मैंने सारी मूवीज देखी है डायनासोर की। वैसे आज तुम इतनी डायनासोर के बारे में बातें क्यों कर? पता नहीं, चलो। अरे चिंटू चिंटी, तुम खाली हाथ कहाँ पे जा रहे हो? करुणा आंटी का स्वच्छ और सेफ खाना खाने। अरे लेकिन आज तो आंटी का स्पेशल दिन है ना, और उन्हें स्पेशल फील कराने के लिए कोई तो गिफ्ट ले जाते। हम लेके तो जा रहे अपने टेस्ट बड और अपनी भूख का गिफ्ट, इससे ज्यादा स्पेशल क्या ले जा सकता है रिंकू? अरे छोड़ो इनको, इनको इनको तो रद्दी वाले पेपर भी मिल जाए ना कि उसको भी निकल जाएगी और थैंक्स भी नहीं बोलेंगे। चलो रिंकू चलो। वैसे चिंटी, रिंकू और आरवी की बात तो सही थी, हमें कुछ तो गिफ्ट लेके जाना चाहिए। मिश्रा फैमिली की रिस्पेक्ट की बात है, और वो खाली हाथ नहीं जा सकते, लेकिन गिफ्ट अभी कहाँ से लाए? हाँ चिंटी, कहाँ से लाए गिफ्ट? चिंटी वो देख, मैं यहाँ हूँ। वो देख, हम जैसे नेक दिल वालों के लिए भगवान जी ने खुद गिफ्ट की जुगाड़ कर दिया। चलो चलो। हाँ चिंटू भैया, एक जंगल के पेंटिंग देख के करुणा आंटी को स्पेशल फील होगा क्या? अरे चिंटी, गिफ्ट की वैल्यू नहीं देखी जाती, गिफ्ट देने वाले के सेंटिमेंट्स देखे जाते हैं, सेंटिमेंट्स। चल चल चल। हेलो करुणा आंटी। हेलो बेटा। कांग्रेट्स आंटी, स्पेशल टिफिन सर्विस खोलने के लिए। थैंक यू। भगवान करे अब हर मन ऐसी 3-4 बार फ्री मील तो खिला ही दें। थैंक यू बेटा, लेकिन तुम दोनों इतना लेट क्यों आए हो? क्यों आंटी, खाना खत्म हो गया क्या? अरे नहीं नहीं, खाना खत्म नहीं हुआ है बाबा, पर तुम दोनों इतने बड़े फूडी होते हुए भी इतना लेट आए हो, इसलिए पूछा। हम इसलिए लेट हो गए आंटी क्योंकि हम आपके लिए स्पेशल गिफ्ट ढूंढ रहे थे, मेरा मतलब स्पेशल गिफ्ट लेने गए थे, इसलिए लेट हो गए। ये लीजिए। अरे वाह, थैंक यू सो मच। अच्छा तुम दोनों जाओ खाने के टेबल पर। हाँ। देवू। हाँ माँ। इसे जरा अंदर कमरे में रखा हो ना। ओके। वैसे अनन्या क्यों नहीं आई अभी तक? माँ मैं उसे कॉल करता। हाँ उसे कॉल करके पूछो ना। देवू भैया हम इसे खोल के देखिए कि चिंटू चिंटी ने क्या स्पेशल गिफ्ट दिया है। हाँ देख सकते हैं। देखते हैं। देवू भैया गुलाब जामुन सर्व करने के लिए कटोरिया कहाँ रखी है? हाँ आया। खुशी एक काम करो, तुम ये गिफ्ट कमरे में रख दो, मैं आता हूँ। ओके देवू भैया।
कहाँ छुपाई है तुमने वो तस्वीर? इवान पहले ही उस पेंटिंग में ट्रैप हो चुका है और अब तुम अपना मुंह बंद रख के यहाँ किसी की हेल्प नहीं कर रही हो। बोलो पता। बोलो। अगर मैंने इन लोगों को सच नहीं बताया तो मुझे ऐसे ही टॉर्चर करते रहेंगे। भारत नगर के पार्किंग लॉट में एक लाल गाड़ी है, उसके नीचे मैंने इस पेंटिंग को छुपाया है। That's like a good girl. मैं वो पेंटिंग लेकर आता हूं। अब बालवीर चाहे कितना भी ढूंढ ले ना तो वो विवान को ढूंढ पाएगा, ना अनन्या को ढूंढ पाएगा और ना ही हमें। क्योंकि बालवीर हमें ढूंढेगा काल लोक में और हम यहां पृथ्वी के नीचे इस गुप्त गुफा में, जहां हमें बालवीर कभी नहीं ढूंढ पाएगा। नासा ने जादुई शक्ति का ऐसा जाल बिछाया है कि मैं इस गुफा से बाहर भी नहीं निकल सकती। बालवीर को कांटेक्ट करने की कोशिश करती हूँ, यहाँ तो बिल्कुल नेटवर्क नहीं है। अगर मैं नजर ही नहीं आऊंगा तो डायनासोर मुझे खाएगा कैसे? यस। डायनासोर को पता चलेगा कि मैं कितना बड़ा चोकिंग हजारू। अब मैं ऐसी गुदगुदी करूंगा कि ये हैरान हो जाएगा। गुदी 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 गुदी। Wow!
आ रही है। ओके। वाओ, ये पेंटिंग कितनी रियल लग रही है। मैं भी ऐसी पेंटिंग बनाऊंगी। की आवाज तो यहीं से आई थी, लेकिन वो है कहाँ? हाँ, वो इस कमरे में तो नहीं है। Oh my God! आरुही तो इस पेंटिंग के अंदर है। देव भैया, रिंकू, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, हेल्प! लेकिन ये कैसे हो सकता है? इसका जवाब तो दुनिया की किसी भी एनसाइक्लोपीडिया में नहीं मिलेगा। I think आरुही हमसे हेल्प मांग रही है। मैं उसका हाथ पकड़ के उसे खींचता हूँ। रिंकू, अरे ये रिंकू भी इस तस्वीर के अंदर कैसे चला गया? हेल्प! अरे रिंकू, इसका कोई यूज नहीं है। आरुही, ये कौन सा प्रैंक कर रही हो तुम? प्रैंक नहीं कर रही रिंकू, ये तो नाइटमेयर लग रहा है। लगता है ये नाइटमेयर अब और भी ज्यादा डेंजरस होने वाला है। देवो भैया, हेल्प! देवो भैया, हेल्प! हेल्प! विवान, विवान, तू? मैंने तो सुना था यूपी के वासी होते हैं बड़े साहसी। सही सुना था तुमने विवान, लेकिन ये तो बियॉन्ड साहस वाली बात है। विवान, इस पेंटिंग के अंदर कैसे गया? वो तो टिफिन की डिलीवरी देने गया था। देवू भैया, देवू भैया, देवू भैया, देवू, हमें बचा लो। देवू भैया, प्लीज देखो ना, कहाँ फंस गए थे? चुप चुप। अरे क्या तुम? देवू भैया, रिंको चुप। ओके विवान, बच्चों चिंता मत करो, मैं वहां पे तुम सबकी हेल्प करने के लिए आता हूँ। ओके। अरे नहीं 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 नहीं। क्या विवान, तुम दिख तो रहे हो लेकिन तुम्हारी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच रही। क्या मतलब? मैं इतना गिड़गिड़ाया और आपको कुछ सुनाई नहीं दे रहा था? एक मिनट। ये पेंटिंग वन वे ट्रैफिक की तरह है, इसमें से बाहर निकलने के लिए एग्जिट पेंटिंग चाहिए। एग्जिट पेंटिंग? अभी एग्जिट पेंटिंग कहां पर होगी? क्या है? पीछे जाओ, पीछे पीछे जाओ। हाँ, एग्जिट पेंटिंग के बारे में अनन्या दीदी को पता है? अनन्या, क्या है? लिखकर क्या काट रहा है विवान? कुछ नहीं है, वो बस एक स्पेलिंग मिस्टेक थी। विवान, यहाँ हमसे जानलेवा मिस्टेक हो गई और तुम्हें स्पेलिंग मिस्टेक की पड़ी है।
देखो बच्चों चिंता मत करो, मैं बालवीर की हेल्प से तुम सबको बचा लूंगा। हाँ। लेकिन अभी मैं ही पेंटिंग खिला रहा हूँ, सो सिट टाइट। अब जैसे ही रे पेंटिंग लेकर आएगा, मैं विवान को इस एग्जिट पेंटिंग की हेल्प से फ्री करवा दूंगी। वो तस्वीर लेकर आ गया? नहीं, मुझे लगता है उस लड़की ने हमसे झूठ बोला है, हमें गलत जानकारी दी है जिससे कि हमारा वक्त बर्बाद होता रहे और उधर बालवीर को उस चित्र के बारे में पता चल जाए। बालवीर की मुझे जरा भी फिक्र नहीं है भैमार, क्योंकि उसे गुमराह करने का मेरे पास एक बहुत ही सरल उपाय है। क्या? मुझे सर्दी जुकाम की कोई तकलीफ तो नहीं है, फिर ये दवाई किसके लिए? भैराजा, ओ भैराजा, आपके जोड़ों में कहीं दर्द तो नहीं हो रहा है? अरे मैं तो बस पूछ रहा था। तौबा तौबा, तुम्हारी शक्ल अच्छी नहीं है, कम से कम बात तो अच्छी किया करो। ये एक बहुत ही विषकारी घोल है जो बालवीर को ऐसे चक्रव्यूह में डालेगा कि वो गोल गोल घूमता रह जाएगा। घूमता रह जाएगा? कैसे? धरती पर करुणा लोगों को जो मुफ्त का खाना बांट रही है, तुम्हें ये पूरी शीशी ले जाकर उस खाने में मिलानी है, और अगर जरा सी भी चूक हुई तो ये दवा मुझे पीनी पड़ेगी। भरानी, भरानी, मैं छोटा हूँ लेकिन खोटा नहीं हूँ, मुझसे कोई गलती। वाह, बहुत खूब तिमना साहब, बहुत खूब। उधर बालवीर इस समस्या को सुलझाने में व्यस्त हो जाएगा और रे को वो चित्र ढूंढने के लिए और समय मिल जाएगा। रे का वेट तो मैं भी कर रही हूँ, बस एक बार विवान को डायनासोर की पेंटिंग से फ्री करवा लूं, फिर वो भी बालवीर की हेल्प कर सकता है पॉइजन की प्रॉब्लम सॉल्व करने में। बैड मूव अनन्या, वेरी बैड मूव। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि रे ये पेंटिंग नहीं ढूंढ पाएगा, then you are a fool. कौन है? रिंकू, हवा की आवाज है। अच्छा, रिंकू, ये हवा की वजह से कोई फल गिरा होगा, उसकी आवाज। अच्छा, वैसे विवान, जब तक बालवीर हमें फ्री करने के लिए यहाँ पे नहीं आते, तब तक हमें क्या करना चाहिए? अंताक्षरी खेलते हैं, चलो। रेली रिंकू, डोंट माइंड आरोही, डर के मारे अक्सर लोग उल्टी सीधी बातें करने लगते हैं। रिंकू, अब ये किसकी आवाज है? डायनासोर की। अच्छा, डायनासोर! रे, डायनासोर! फॉरगेट उल्टी सीधी बात, अब तो उल्टे पैर भागना पड़ेगा। बाजा! अरे 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 रुको, अरे माँ,
ये तस्वीर आप वीर लोक में किसी सुरक्षित स्थान पर रख दीजिए ताकि कोई इस तक ना पहुंच पाए। तब तक मैं अनन्या को ढूंढ कर आता। हाँ बालवीर, अनन्या को ढूंढना बहुत ही जरूरी है। वही है जो इन बच्चों को इस तस्वीर से बाहर निकालने का द्वार बना सकती है। You will have to pay for this, Ananya. बालवीर, मैंने अनन्या को शिंका, एक काल्लोक और हर जगह ढूंढ लिया है, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चल रहा। कोई बात नहीं माँ। ये सूचक यंत्र है, इसकी मदद से अनन्या की दुर्भाष यंत्र के बारे में पता लगा सकता हूँ। एक बार उसका दुर्भाष यंत्र मिल गया तो हमें अनन्या भी मिल जाएगी। अनन्या इस तरफ है मां। कितनी स्ट्रेंज जगह है ये। हाँ, ये पत्थर ट्रीज का साइज देखकर ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी प्री हिस्टोरिक वर्ल्ड में। जब धरती पर डायनासोर हुआ करते थे तब पे सिग्गु तुम ना कुछ भी मत बोल, तुम डर के मारे कुछ भी अक्रम चक्रम बोल रहे। अरे अरे रिंकू, अरे अरे लगता है अरुई को लाइफ प्रूफ मिल गया और उसके साथ एग्जांपल भी। अरे रिंकू, अभी हमें उसे बचाना होगा, चल जल्दी। अरुई मदद करो, अरुई रिंकू जल्दी। दिखाई दे रहे हैं, डायनासोर दिखाई दे रहा और नहीं आरोही। हम कुछ ना कुछ करके तुम्हें जरूर बचा लेंगे। विवान, जो करना है जल्दी करो, उससे पहले इस डायनासोर के अंडे में से छोटा डायनो निकल जाए। क्या आरोही, तुझे पता है ना डायनासोर दो तरह के होते हैं, वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन। हाँ, लेकिन ये कौन सा वाला है? आई थिंक ये नॉन वेजिटेरियन है और साइंटिफिकली इसे टेरासोर कहते हैं। व्हाट? हाँ, टेरासोर। और अरे रिंकू प्लीज, थोड़ी देर के लिए तू अपने इस जनरल नॉलेज की दुकान को बंद करेगा प्लीज। ओके ओके, पर ये तो बताओ प्लान क्या है? हमें आरोही को बचाने के लिए डायनासोर के नेस्ट को। यू मीन टेरासोर के नेस्ट से? अरे रिंकू, मैंने अभी अभी क्या कहा? प्लीज थोड़ी देर के लिए अपने जनरल नॉलेज की दुकान बंद कर। ओके सॉरी, गो अहेड। हाँ, सो हमें हरोही को बचाने के लिए उस डायनासोर के नेस्ट तक पहुंचना होगा। हाँ, पर पहुंचेंगे कैसे? हमारे पास थोड़ी ना विंग्स है।
विवान, रेडी? यस, अब मैं स्लिंगशॉट की मदद से सीधा उस डायनासोर के नेस्ट तक पहुंचूंगा। लेकिन विवान, ध्यान से, क्योंकि अगर तुम थोड़ा भी आगे पीछे हुए ना तो नेस्ट में नहीं सीधे 100 फीट नीचे गिर जाओगे। तो कैलकुलेशन परफेक्ट होना चाहिए। हाँ, कैलकुलेशन के लिए तुम हो ना रिंकू, खोलो अपनी मैथमेटिक्स की दुकान। विंड के फ्लो का डायरेक्शन है नॉर्थ वेस्ट, सो दैट मींस 1, 2, 3, 4। यूपी के वासी होते हैं बड़े साहसी, लेकिन डायनासोर के अंडे को फूटते हुए देखने के बारे में अर्थ की किसी भी वासी ने नहीं सोचा होगा। विवान, जल्दी करो। हरी अप रिंकू, जल्दी कर। आई थिंक 45 डिग्री की ट्रैजेक्टरी पर ऊपर जाना सही रहेगा। लेकिन अगर ट्रैजेक्टरी गलत हुई तो ऊपर अंडा फूटेगा और नीचे मैं। तुम श्योर हो ना रिंकू? हमें एक बार रीचेक करना चाहिए, 2 मिनट। अरे नहीं नहीं रिंकू, हमारे पास उतना टाइम नहीं है। रीचेक करने के चक्कर में वो बेबी डायनासोर मारवाई का चेकमेट कर देगा। खींचो। शूट। हेलो। हेलो। यस। ओह नो, मैंने तो मदर डाइनो की एंट्री कैलकुलेट ही नहीं की थी। अब क्या होगा? अब ये गाजर का हलवा रेडी हो गया है, बस एक काम बाकी है महाराज जी, इसमें काजू डालेंगे। आप अंदर घर पे आ जाइए, मैं आपको काजू दे देती हूं। चलिए मैडम जी, चलते हैं। ए मुनवा भैया, जाके दुकान से सूखी लाल मिर्च लेके आवा हो, जावा। अब देखना करुणा जी, ये विशेष खोल आपके खाने का स्वाद कितना बढ़ाता है। सत्यानाश हो इस महाराज का, और इसके कारण मुझे इस चुल्लू पर पानी में डूबना पड़ रहा है। चला हूँ मुनवा, ये डेक्चा पानी गर्म करेगा अपने का। पतीला? अरे ये किस पतीले के बारे में बात कर रहे हैं? कहीं ये इस पतीले के बारे में बात तो नहीं कर रहे? अरे कहाँ फंस गया मैं? बाहर निकला तो ये हलवाई मेरा हलवा बना देगा, और अंदर रहा तो मैं आलू की तरह ऊपर जाऊंगा। पेंटिंग को वीड लॉक पहुंचा कर बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी तुमने अनन्या। मिस्टेक होगी तुम्हारे लिए, मेरे लिए तो ये गुड न्यूज है। थोड़ी देर में तुम्हारी लाइफ ही बैड न्यूज बना दूंगा मैं, बिकॉज क्राई और प्रे नहीं छोड़ेगा रे। छोड़ो या ना छोड़ो, विवान सेफ है, मेरे लिए यही इनफ है।
बात करो रे। अब आगे क्या करना है उस पर ध्यान देते हैं। जो हो गया सो हो गया, चलते हैं यहां से। बस अब ये पेंटिंग वीर लोग पहुंच जाए, उसके बाद विवान इससे फ्री हो जाएगा। चला हलवा तैयार होगा, लेकर चला भैया। एटलीस्ट 10 फीट बड़े तो होंगे, सो हम इन्हें पैराशूट बनाकर नीचे फ्लोट कर सकते हैं। यस, पॉसिबल तो है। मदर डायनासोर का बच्चा हमारे पास है, अगर हम नीचे गिरेंगे तो ये अंडा भी नीचे गिरेगा और इसे भी चोट लगेगी, लेकिन अगर हम इसे सेफ रखेंगे तो मदर डायनासोर हम पर अटैक नहीं करेगी, देख लो। मतलब हम डायनासोर के अंडे को किडनैप कर रहे हैं? नहीं आरोही, हम जमीन पर पहुँच कर इस अंडे को सेफली रख देंगे, ताकि माँ भी खुश, अंडा भी खुश और हम भी खुश।
थैंक गॉड मैं यहाँ से नहीं जा पा रही हूँ, पर अब ये पेंटिंग परियों को मिल जाएगी और चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए लेकिन बरगद को कभी अपनी छाया नहीं दे सकता। और तुम्हारी इस बेवकूफी से मुझे ये तो पता चल गया कि तुम एक छोटा सा पौधा नहीं बल्कि किसी मामूली सी घास का एक छोटा सा तिनका हो और मैं बरगद का पेड़। तो सैकड़ों गुफा है, ये सूचक यंत्र भी सही गुफा के बारे में नहीं बता पा रहा। का मतलब इन 100 गुफाओं में से किसी एक गुफा में अनन्या है, लेकिन वो एक गुफा कौन सी है? तो ये थी तुम्हारी लिटिल स्कीम। एट लास्ट तुम्हारी स्कीम हो गई खलास। अब करना क्या इस लड़की का? ये रंग बिरंगी सी तितलियां आजकल कुछ ज्यादा ही जादू करना सीख गई। लगता है इन्हें इनकी औकात अब दिखानी ही पड़ेगी। अंदर के कलाकार को तो तुमने खत्म कर दिया तन्ना से, उसकी कलाकारी को भी खत्म कर देते हैं। क्यों नहीं, बिल्कुल। क्या हुआ, चालाकी की गुरु जादू करना भूल गई हो क्या? ये वक्त नासा, इस पेंटिंग को तुम तो क्या जहन्नुम की आग भी नहीं जला सकती है। कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए तो मैं इस जगह को जहन्नुम बना सकती हूँ ना, लेकिन ताकि तुम्हें तुम्हारा बालवीर तो क्या दुनिया की कोई भी शक्ति बचा ना पाए। बालवीर तुम कहाँ हो? I wish कि तुम किसी तरह यहाँ पे पहुंच जाओ।
ये गुफाएं तो आपस में धागों की तरह उलझी हुई है। अगर मैं इन्हें सुलझाने बैठूंगा तो बहुत समय लग जाएगा। कोई और रास्ता ढूंढना होगा। हर इंसान के शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री होता है। अब इस तापमान मापक यंत्र की मदद से मैं अनन्या को ढूंढ सकता हूं। ओके, लेकिन अगर मैं भी मामा वो भी मामा तो फिर मामा कौन है? कितना क्यूट है ये। रिंकू, तू ठीक तो है ना? अगर ये तुम्हारी मामा है, ये तुम्हारी मामा है तो मैं तो तुम्हारा अंकल हुआ ना, उन्होंने तो हमें गटक जाएंगे। जाओ अपनी मम्मा के पास जाओ। अरे मुझे क्या प्रॉब्लम है, क्यों मेरे पीछे पड़े हो? अरे इसे साइकोलॉजी में इम्प्रिंटिंग कहते हैं। जब न्यूबॉर्न बेबी पैदा होता है ना तो उसकी आंखों के सामने सबसे पहले जो चीज आती है ना वो उसका पीछा करने लगता है। आंखों के सामने? हाँ, क्यों? अब ओ डायनो बेबी पीछे देखो, ओ वहां पे कुछ है, उधर पीछे पीछे पीछे। चल चुप चुप चुप। विवान, हम इतने छोटे बच्चे को इतने बड़े जंगल में अकेला कैसे छोड़ सकते हैं? ये अकेला नहीं है, वो ऊपर उसकी मां मंडरा रही है। सुनें को चल। वाह करुणा जी वाह, क्या स्वादिष्ट हलवा बनाया है। जैसे जैसे मैं जैसे स्वर्ग की रसोई से बना हो। हाँ। क्या हुआ? अरे पेट में दर्द हो रहा है। हलवे का ओवर ईटिंग हो गया क्या? पता नहीं। हे भगवान, महाराज जी ने क्या पिला दिया हलवे में? अरे करुणा आंटी, इन लोगों का डाइजेशन कमजोर है ना, इसलिए इनके पेट में दर्द हो रहा है। करुणा आंटी,
जितना भी हलवा बचा है ना हमें दे दो, हम तो लोहे की चरे भी डाइजेस्ट कर सकते हैं, तो फिर ये हलवा क्या चीज है? अरे अभी तक तो मैंने अच्छे से खाया भी नहीं, तब भी मैं पीटना शुरू हो गया। Work, Vivan. Thank you. Mama! Mama! अरे ओली लिली, तूटी तो मेरी तरह एकदम स्मार्ट है। ओली ओली स्नीज आ रही है और बेसी। रिंकू, अरे रिंकू रास्ते से हट। अरे ये क्या कर दिया? अरे मामा, सबसे पहले इस फायर बॉल से छुटकारा पाना पड़ेगा, तभी हम गेट की तरफ जा पाएंगे। हाँ, अभी तक तो सिर्फ 5 मिनट हुए हैं इसे पैदा होकर और इसने अभी मेरे मुंह में आग लगा दी। अगर और 15 मिनट रहा तो पता नहीं कहाँ कहाँ आग लगा दे। और भाईमार भी यहीं पर है, लेकिन मैं अभी इनसे नहीं लड़ सकता। मुझे पहले अनन्या को ढूंढना होगा और यहां से आगे बढ़ने के लिए मुझे अपनी बाजुओं का नहीं अपने दिमाग का इस्तेमाल करना होगा। I'm sure कि बालवीर सीक्रेट डेन मारने की कोशिश जरूर करेगा। बहुत स्टबर्न है वो। इस गुप्त स्थान के चारों तरफ तिमनासा ने दिशा भ्रम की कई परत बिछा रखी है, पर फिर भी अगर बालवीर यहाँ तक पहुंच गया तो इन 100 गुफाओं में ऐसा भटकेगा कि खुद को भी नहीं ढूंढ पाएगा। लेकिन बहुत इंटेलिजेंट है वो, हमें उसे लाइटली नहीं लेना चाहिए, हमें केयरफुल रहना चाहिए। से बुलाया बालवीर आया। बालवीर चलो चलते हैं यहां से। एक सेकंड बालवीर, मुझे यहां से ले जाने से पहले तुम्हें वो पेंटिंग ढूंढनी होगी, क्योंकि उसी पेंटिंग के एग्जिट डोर से विवान डायनासोर वर्ल्ड से बाहर आ सकता है। सिर्फ विवान ही नहीं बल्कि रिंकू और आरोही भी। What? हाँ, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, वैसे ही बात है। लेकिन आखिर वो एग्जिट पेंटिंग है कहाँ? यही कहीं इसी डेन में होगी, पर आई एम श्योर तुमने मुझे ढूंढ लिया है तो तुम उस पेंटिंग को भी ढूंढ लोगे। कोई शक?
ज्यादा टाइट मत मानना ब्यूटी को। बहुत सैड फील हो रहा है मुझे फायरबॉल के लिए। तुम लोगों को क्या लगता है मेरा हार्ट क्या पत्थर से बना है? मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वो बेबी डायनासोर की भलाई के लिए कर रहा हूँ। मामा, मामा। रिलैक्स डायनो, थोड़ी ही देर में तुम्हारी माँ तुम्हारे पास आ जाएगी। चलो बाय बाय फायरबॉल। बाय क्यूटी। चलो चल। थोड़ी देर में कितना घुल मिल गया था हमसे क्यूटी, मानो जैसे हमारा ही तो। रिंकू, रिंकू तो ठीक है ना? गड्ढा बना कैसे? अरे ये कोई गड्ढा नहीं है अरुई, ये टीरेक्स के फुटप्रिंट का निशान है। क्या मतलब? बड़ा वाला डायनो। ओ माय गॉड, अरुई तुम रिंकू को इस गड्ढे से बाहर निकालो, मैं तब तक ये चेक कर आता हूँ कि क्यूटी चिल्ला क्यों रहा है। क्या लगा तुम सब कुछ खुद ही कर लोगे? माना कि तुम्हारा दिल पत्थर का नहीं है, लेकिन क्या तुम्हारे दिमाग में पत्थर भरे हुए? वो इतना बड़ा डायनासोर है, तुम उसे अकेले कैसे संभालोगे? इस वर्ल्ड में मेरी मैजिकल पावर्स भी वर्क नहीं कर रहे, बट हमें कुछ तो करना ही पड़ेगा। फायरबॉल खतरे में है। महंगा पड़ता है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? अरे और नहीं तो क्या, इंसान है ना बिजनेस बढ़ाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। पता नहीं क्या मिला के खिला दिया इन्होंने। पुलिस, इंस्पेक्टर साहब आप? इंस्पेक्टर साहब मैंने आपको फोन किया था, देखिए ना इन्होंने खाने में क्या मिला के खिला दिया। अच्छा तो आप हैं करुणा जी, आपका सस्ता खाना खाकर इन सबको सीवियर फूड पॉइजनिंग हुआ है, इसलिए आपको अरेस्ट किया जाता है। इंस्पेक्टर साहब आप गलत समझ रहे हैं। मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। ये क्या कर रहे हैं आप? इंस्पेक्टर साहब मेरी बात सुनिए, खाना सस्ता जरूर है लेकिन अच्छी क्वालिटी का है। मैं सालों से टिफिन सर्विस कर रही हूँ, ऐसा कभी पहले नहीं हुआ। आपको जो भी बोलना है कोर्ट में बोलिएगा। इंस्पेक्टर साहब बहू सही कह रही है, हमारे लिए टिफिन सर्विस महज एक बिजनेस नहीं धर्म है। और आप ही सोचिए धर्म के साथ कोई धोखा कैसे कर सकता है? इंस्पेक्टर साहब ये झूठ झूठ बोल रहा है, इनकी बातों मत आओ, इन्हें सब कुछ पता था, तभी तो इन्होंने खाना अपने परिवार को नहीं खिलाया। इनकी बेटी को कुछ नहीं हुआ और इनके ससुर को कुछ नहीं हुआ। अब क्या कहेंगे आप, इसमें जरूर आपकी कोई साजिश है। भगवान आज के दिन ये किस मुसीबत में डाल दिया आपने हमें। बराने मेरी बात तो सुनिएगा। बराने बराने बराने
रानी मुझे माफ कीजिए, मुझे माफ कीजिए रानी, मुझे माफ कीजिए रानी, मैं शशि का गोल पूरा हलवे में डालने ही वाला था, लेकिन वो कमबख्त हलवाई हलवाई बीच में आ गया और मुझे गर्म पानी में उबालने लगा, इसलिए बेवकूफ कहीं के अगर तुम अपना काम तरीके से करते और ये पूरी दवा उसमें मिलाते तो आज भारत नगर के सारे लोग मर चुके होते बेवकूफ। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है इंस्पेक्टर साहब, मेरा यकीन कीजिए। करुणा को पुलिस पकड़ कर ले जा रही है और बालवीर यहाँ नहीं। अरे उसे भी जेल जाने से डर लगता होगा ना आपकी तरह। ऐसा मैं नहीं बोल रहा, तो बात बोलेगा। अगर ये बालवीर यहाँ नहीं है तो फिर कहाँ गया? यस, योर द प्लान। मैं उस बड़े डायनासोर का ध्यान भटकाता हूँ, तब तक तुम इस बेबी डायनासोर को यहाँ से लेकर जाना। सारी हीरोगिरी तुम्हें ही आती है क्या? आई से कि तुम फायरबॉल को बचाओ, हमें इसको थमा लूंगी। रिप, इधर ओ हेलो, इधर आओ। ये लड़की भी ना, इधर तिमनासा ने वो चित्र कहां छुपाया है? अच्छा ठीक है प्यार बहुत दिखा दिया, अब थोड़ी मदद भी कर दो। तुम्हें छींक खाकर उस बड़े डायनासोर की पूंछ पर अपने मुंह से आग लगानी होगी। मामा। अरे आचू आचू, जैसे मेरे पूंछ पे मेरा मतलब मेरे बम पे आग लगाई थी तुमने, वैसे ही उस बड़े डायनासोर की पूंछ पे आग लगा दो। आचू उधर उधर आचू। विवान, तुम फायरबॉल के साथ दमछराज खेल रहे हो क्या? चलो उसको जल्दी से बचा के भागो यहाँ से। मैं अपने दोस्तों को मुसीबत में छोड़कर जाने वाला इंसान नहीं हूँ। Thank you.
वाइद में रिंकू खान वो गड्ढे से निकल गया था और उसके बाद वो टीरेक्स की फुटप्रिंट्स के बारे में स्टडी कर रहा था ताकि हमें उसके मूवमेंट के बारे में पता चले। ग्रेट, अगर हमें टीरेक्स के मूवमेंट के बारे में पता चल गया तो हम इसीलिए उसको अवॉइड कर पाएंगे। रिंकू, अरे रिंकू तुम फिर से गड्ढे में गिर गए। फुटप्रिंट स्टडी करने की क्यूरियोसिटी में ना मैं केयरलेस हो गया था इसलिए वापस गड्ढे में गिर गया। हेल्प! ओह थैंक गॉड ड्यूटी सेफ है। रिंकू ये ले। मामा। रिंकू तू ठीक है ना? हाँ। थैंक्स क्यूटी, आई न्यू यू लाइक मी। ओके ओके, अब जल्दी से बताओ हमें जाना कहाँ है। दिस वे। चलो चलो चलो। उस चित्र तक पहुंचने के लिए जिस लेजर के माया जल को पार करना होगा, लेकिन कैसे? ओ धन्यवाद मक्खी जी। पहला पड़ाव तो आसानी से पार हो गया, लेकिन ये कांच की दीवार। बालवीर यहां पे आ गया। नासा की शक्तियों को नजरअंदाज कर लिया मैंने, अब क्या करूं? ये ठीक लग रहा है ना? परफेक्ट है।
वैसे ही तुम दोनों क्या कर रहे हो? अरे आज क्यूटी ने मेरी जान बचाई है और उसका बर्थडे भी है तो पार्टी तो बनती है ना। और वैसे भी फायरबॉल आज ही तो पैदा हुआ है। चलो ब्लो द कैंडल्स। वैसे ये कैंडल बुझाने का अच्छा तरीका है। मामा। गाइस गाइस गाइस, मैंने इस वर्ल्ड के गेट तक पहुंचने का मैप बना लिया। हाँ? ये देखो, अब हम इस नक्शे की मदद से कर दिया। मैं मुझे फिर से नक्शा बनाना पड़ेगा। मामा। डायनासोर के फुटप्रिंट को स्टडी करके हमें सही डायरेक्शन बताई थी ना रिंकू, तो फिर यहाँ पे डायनासोर कैसे आ गया? अरे लेकिन वो डायनासोर के फुटप्रिंट सीरेक्स के थे, ये कोई अलग डायनासोर है। बट आई थिंक हमें अब इस डायरेक्शन में जाना चाहिए। हाँ तो चलो जल्दी। चलो जाने में ही भलाई। बालवीर तो यहाँ है नहीं, तो ये सुरक्षा घंटी बजी क्यों? ऐसा भी तो हो सकता है कि वो यहीं है लेकिन हम उसे देख नहीं पा रहे। रे 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 रे, बालवीर नहीं मूषकवीर है। अनन्या को बताकर मुझे तुरंत भारत नगर जाना होगा। चलो चुमाओ चुमाओ चुमाओ। अरे रिंकू यहाँ नहीं छुपना है, यहाँ अंदर अंदर आ, अंदर जल्दी 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 आ। Thank you.
अच्छा होना कैसे सीख गया? इसे साइंस में सर्वाइवल इंस्टिंक्ट कहते हैं। खतरा देखकर क्यूटी के अंदर लड़ने की पावर्स आ गई। अरे लेकिन इसके अंदर अभी इतनी भी पावर नहीं आई है कि ये इस बड़े डायनासोर से लड़कर हमें बचा ले। तो हमें कौन बचाएगा? अरे क्यूटी डरो मत, यही तुम्हारी असली माँ है। मामा, 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 मामा। जिस गुनाह के लिए आपने करुणा जी को गिरफ्तार किया है वो गुनाह उन्होंने नहीं किया, किसी और ने किया है। लेकिन कानून बिना किसी प्रूफ के कोई बात नहीं मानता। वो देखिए, जिन लोगों को विषैले भोजन की वजह से समस्या हुई थी मैंने उन्हें ठीक कर दिया है, और अब रही असली गुनहगार की बात, तो मुझ पर विश्वास रखिए, मैं उसे जल्द ही आपके सामने ले आऊंगा। सुनिए ना, एक बार देख लीजिए ना कि भारत नगर में क्या चल रहा है। आपको ठीक लगा ना खाना? करुणा जी खाना खाते मजा आ गया। क्या टेस्टी स्वादिष्ट खाना बना था। ये सब ठीक कैसे हो गया? हम दोनों की एक सिलाई की दुकान है, उसमें जितने वर्कर है ना उन सबको खाने का ऑर्डर आपके यहीं से देंगे। थैंक यू भाई। खाना मारने से पहले मेरी बात सुनिए ना, मुझे सिर्फ एक मौका दीजिए सुधरने का। एक आखिरी मौका। तौबा तौबा। कहाँ बताई, बहुत भारी है। अरे बबुआ, अरे शाम्बा। हाँ। क्या करत रही? खीर बना रहे। अरे खीर में जरा जहर केसर मिलाई दो, स्वाद आई। अरे का जा, जल्दी जा। कहीं
यहाँ क्या कर रहे हो बच्चे? बच्चा होगा तुम्हारा पापा। ऐसा हम नहीं बोल रहा हूँ। हम तो ये बोल रहा था कि खीर में दूध मिलाना क्राइम है का इंस्पेक्टर साहब? ठीक है। अरे क्या ठीक? पालवीर तो ये दूध पी के बताओ। नहीं नहीं हम नहीं पीऊंगा ये दूध। नहीं नहीं। देखा इंस्पेक्टर साहब, कहा था ना मैंने इस सब के पीछे करुणा जी का हाथ नहीं है, बल्कि गाजर के हलवे में जहर भी इसी ने मिलाया था। यू आर अंडर अरेस्ट। इंस्पेक्टर साहब, क्या मैं इनसे कुछ पल बात कर सकता हूँ? आइए। कहाँ? मैं तुम्हें पुलिस के डंडों से बचा सकता हूँ। अच्छा, शुक्रिया बालवीर, शुक्रिया। तुम जो कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। तुम कहो तो ये दूध पैरानी को जाकर पिला दूँ। नहीं, लेकिन मुझे ये जानना है कि तिमना सा ने वो चित्र किसी गुफा के अंदर छुपाया है, और उस गुफा के अंदर जाने के लिए जो सुरक्षा कवच, उस सुरक्षा कवच को कैसे तोड़ा जा सकता है? कोई तरीका? उसे कैसे तोड़ा जा सकता है ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन हाँ मैंने भैरानी को भराजा को ये कहते हुए सुना था कि बालवीर उंगली सीधी करके वो चित्र कभी नहीं निकाल सकता। बालवीर देखो, मैंने आपको सब सब सच सच बता दिया। अब मुझे यहाँ से भागने का कोई रास्ता बता दो, नहीं तो ये इंस्पेक्टर मेरी खाल उधेड़ देगा। कुछ करो बालवीर। ये लो। यहाँ से 10 कदम आगे बढ़ने के बाद ये दबा देना। बालवीर जी, अभी मैं इसे ले जा सकता हूँ? अब तो आपको विश्वास हो गया कि सब के पीछे करुणा जी का कोई हाथ नहीं है। धन्यवाद मेरी बात मानकर करुणा जी को छोड़ने के लिए। अब आप इसे ले जा सकते हैं, मैं भी चलता। बाबा तबा ने कहा था कि उस तस्वीर को हासिल करने के लिए मुझे अपनी उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। बालवीर, तुम सच में इतने नादान हो? तुमने तौबा तौबा की बात पे यकीन कर लिया, लेकिन आज देख भी लिया। मेरे पास तुम दोनों के लिए एक बहुत ही खास तोहफा है, देखना चाहोगे? तुम क्या सोचते हो कि तुम हम पे ब्लफ मारोगे और हमें क्लीन बोल कर दोगे? आ जाओ। बालवीर, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। पीठ पे वार। धन्यवाद वायुपरी, धन्यवाद अनन्या। मेंशन नॉट बालवीर, तुमने दिल से नहीं बुलाया फिर भी मैं आ गई। अब हमें इस निकास द्वार की तस्वीर की मदद से विवान और दोनों बच्चों को जल्द से जल्द बाहर निकालना चाहिए। पता नहीं वो किस हाल में होंगे।
वो हमेशा अपने बच्चों को प्रोटेक्ट कर ही लेती है। प्रॉब्लम ये है कि डायनासोर वर्ल्ड से बाहर आने के लिए बच्चों को इस पेंटिंग के गेट से बाहर आना होगा। यस, मदर डाइनो ने हमें एग्जिट पेंटिंग तो पहुंचा दिया। थैंक यू मदर डायनासोर। थैंक यू। इसलिए कहते हैं कि भलाई का फल भलाई होता है। बाय बाय फायरबॉल। बाय बाय क्यूटी। बाय बाय क्यूटी। हम तुम्हें बहुत मिस करेंगे, लेकिन अब हमें जाना होगा। विवान, रिकू, आरोही, तुम लोग इस पेंटिंग से बाहर आ जाओ। तुम लोगों के सामने एक एग्जिट पेंटिंग बनी हुई है। चलो। मेरे होते हुए बच्चों को कुछ नहीं हो सकता। तो मेरा काम आसान कर दिया। एक के बदले दोनों बालवीरों को इस तस्वीर में कैद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नासा, समय से पहले जीत की खुशी नहीं मनानी चाहिए। Yes, that's how you do it.
रिंकू, इससे पहले भी मैंने मेरा मतलब हमने कितना कुछ किया। विवान, अगर हम मैराथन रेस रन कर रहे हैं और फाइनल लैप में है और टीरेक्स हमें खा जाए तो उसे विनर नहीं शहीद कहलाएंगे। अरे लेकिन तो इससे पहले भी तो कई बार संभाला ना। है तुम दोनों झगड़ा करना बंद करो, उससे पहले टीरेक्स की मॉम आ जाए हमसे बदला लेने। हाँ। हमें जल्द से जल्द यहाँ से बाहर जाना चाहिए। चाहे कितनी भी झुंड में क्यों ना आ जाए लेकिन एक शेरनी का शिकार नहीं कर सकती। अनन्या, तुम तस्वीर को संभालो, मैं इसे देखती हूँ। यहाँ से बाहर जाने के लिए हमें उस दरवाजे से बाहर जाना होगा। चलो एक सेकंड, विंग का फ्लो है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन और ट्रैजेक्टरी एंगल है 45, तो इसका मतलब अगर हम गुड जॉब गाइस, अभी हम कहाँ गए? ये कौन सी जगह है? क्या हम अभी भी पेंटिंग के अंदर ही हैं? विवान, तुम इन लोगों को एक्सप्लेन करो, मैं और बालवीर जाके पेंटिंग्स डिस्ट्रॉय करते हैं। मैं समझाता हूँ कि ये सब एक्चुअली हो क्या रहा है। वो सब छोड़ो, लेकिन पहले ये बताओ कि हम हैं कहाँ पे? हाँ समझाना। हाँ समझाता हूँ। खुशी दीदी, आंटी ने खाना बहुत अच्छा बना है। तो मम्मी किसकी है? और चाहिए? हाँ मुझे थोड़ा हलवा। हाँ। और मुझे थोड़ी सी खीर। थैंक्स पांडे, लेकिन अगर आप ना भी आए होते ना तो मैं उस डायरेक्ट को आराम से संभाल लेता। बात तो सही है, आखिर तुम मैन ऑफ द मैच जो हो, लेकिन एंड बॉल पर आकर मैंने जो सिक्सर मारा है ना, लोग उसी को याद रखेंगे, यू नो विनिंग शॉट। जस्ट जोकिंग विवान, जस्ट जोकिंग। मैंने कहा था कोई इंतमना सा कि बालवीर बहुत जिद्दी है। मैं भी कम जिद्दी नहीं हूं रे, मैं बुराई का वो काला सूरज हूं जिसे ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति डुबा नहीं सकती। सरल भाषा में मतलब हुआ कि भैराने भी ठीक है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा था। और मैंने भी अपने अगले हमले की तैयारी शुरू कर दी है। बालवीर, हमारा अगला हमला बहुत घातक होने वाला है। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।